हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर सीरीज के पार्ट टू के बारे में। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डीसी जनरेटर के ये क्वेश्चन सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी क्वाइल में आदर्श कम्यूटेशन प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्वाइल में होता है। किसी क्वाइल में आदर्श कम्यूटेशन प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्वाइल में इंडक्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है, संट फील्ड प्रतिरोध 80 ओम है, तो संट फील्ड करंट क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है टर्मिनल वोल्टेज बीटी बराबर 400 वोल्ट, संट फील्ड प्रतिरोध आरएसएच बराबर 80 ओम, संट फील्ड करंट आईएसएच ज्ञात करना है। तो संट फील्ड करंट आईएसएच बराबर बी अपॉन आरएसएच, बी 400, आर एस एच 80, तो आई एस एच बराबर 5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किनके बीच समझाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम मतलब राइट हैंड रूल के द्वारा घुमाव बल, प्रेरित ईएमएफ और फ्लक्स की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घुमाव बल, प्रेरित ईएमएफ, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में गति बढ़ने पर क्रांतिक प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है, इसलिए गति बढ़ने पर क्रांतिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीनों में समकारी रिंग का प्रयोग कब किया जाता है? जब डीसी मशीनों में लैप बाइंडिंग हो, तब समकारी रिंग का प्रयोग किया जाता है। लैप बाइंडिंग दो प्रकार की होती हैं, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समकारी रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समकारी रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मशीनों में समकारी रिंग का प्रयोग कब किया जाता है? लैप बाइंडिंग होने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैप बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में यांत्रिक हानियां होने का कारण क्या है? डीसी जनरेटर में यांत्रिक हानियां वायरिंग की खराबी के कारण होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरिंग की खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक एवं फ्लक्स के बीच कोण कितना होना चाहिए जिससे प्रेरित ईएमएफ उच्चतम हो? प्रेरित ईएमएफ उच्चतम होने के लिए चालक एवं फ्लक्स के बीच कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान निगेटिव होने पर जनरेटर का मान होगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मान निगेटिव होने पर जनरेटर ओवर कम्युलेटिव होगा, क्योंकि ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में लोड पर वोल्टेज अधिक तथा नो लोड पर वोल्टेज कम होती है। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर वी नोट माइनस बी एल अपॉन बी एल गुणा 100। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 4 पोल डीसी जनरेटर में ब्रशों को 4 डिग्री वास्तविक शिफ्ट किया है, यह कितने वैद्युतिक डिग्री शिफ्ट के बराबर है? एक 4 पोल डीसी जनरेटर में ब्रशों को 4 डिग्री वास्तविक शिफ्ट करने पर यह 2 डिग्री वैद्युतिक शिफ्ट के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 डिग्री वैद्युतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डीसी जनरेटर में पोल शू पोल कोर से कैसे बंधे रहते हैं? डीसी जनरेटर में पोल शू पोल कोर से काउंटर संक स्क्रू के द्वारा जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में पोल शू का कार्य चुंबकीय फ्लक्स को एक समान रूप से फैलाना होता है। तो डीसी जनरेटर में पोल शू किससे बंधे होते हैं? काउंटर संक स्क्रू से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काउंटर संक स्क्रू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कौन सी हानि भार के साथ परिवर्तित होती है? डीसी जनरेटर में भार के साथ परिवर्तित होने वाली हानि ये है आर्मेचर कॉपर हानि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर कॉपर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की चुंबकीय विशेषता वक्र किनके बीच बनाया जाता है? डीसी जनरेटर की चुंबकीय विशेषता वक्र फील्ड करंट तथा प्रेरित ईएमएफ के बीच बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फील्ड करंट तथा प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट पर लोड धारा 8 एम्पियर तथा संट फील्ड धारा का मान 2 एम्पियर हो तो आर्मेचर कॉपर लॉस का मान क्या होगा यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम हो? क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज V बराबर 240 वोल्ट, लोड धारा IL बराबर 8 एम्पियर, संट फील्ड धारा ISH बराबर 2 एम्पियर, आर्मेचर प्रतिरोध RA बराबर 0.5 ओम। आर्मेचर कॉपर लॉस ज्ञात करनी है तो आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर IA स्क्वायर RA। आर्मेचर कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए IA का मान ज्ञात करते हैं तो आर्मेचर करंट IA बराबर लोड करंट IL प्लस संट फील्ड करंट ISH, IL 8 ISH 2 तो IA बराबर 10 एम्पियर। आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर IA स्क्वायर RA, आर्मेचर करंट 10 RA 0.5 तो आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर 50 वाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध का संबंध किससे है? डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध का संबंध फील्ड से होता है। यदि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाता है तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध का संबंध किससे होता है? फील्ड से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हानि को ओमिक हानि भी कहा जाता है? कॉपर हानि बाइंडिंग के ओमिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है इसलिए कॉपर हानि को ओमिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग का क्या अर्थ है? डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने पर जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता इसलिए अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करने की विधि फील्ड फ्लैशिंग कहलाती है। तो डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग का क्या अर्थ है? किसी डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी संट जनरेटर में लोड करंट 10 एम्पियर, संट फील्ड प्रतिरोध 55 ओम तथा सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है तो आर्मेचर धारा क्या होगी? क्वेश्चन में दिया है लोड करंट IL बराबर 10 एम्पियर, संट फील्ड प्रतिरोध RSH बराबर 55 ओम, सप्लाई वोल्टेज B बराबर 220 वोल्ट, आर्मेचर धारा IA ज्ञात करना है। तो आर्मेचर धारा IA बराबर लोड करंट IL प्लस संट फील्ड प्रतिरोध ISH। लोड करंट IL बराबर 10 एम्पियर दिया है लेकिन ISH ज्ञात करना है
तो आई एस एच बराबर बी अपॉन आर एस एच, बी 220, आर एस एच 55, तो आई एस एच बराबर 4 एम्पियर। तो आर्मेचर धारा आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, आई एल 10, आई एस एच 4, तो आर्मेचर करंट आई ए बराबर 14 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता किस पर निर्भर करती है? आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा और फ्लक्स दिशा दोनों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट जनरेटर में लोड धारा 8 एम्पियर, लोड वोल्टेज 240 वोल्ट, शंट फील्ड प्रतिरोध 120 ओम हो तो आर्मेचर धारा एवं आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का मान बताइए। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम हो। क्वेश्चन में दिया है लोड धारा आई एल बराबर 8 एम्पियर, वोल्टेज बी बराबर 240 वोल्ट, शंट फील्ड प्रतिरोध आर एस एच बराबर 120 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध आई ए बराबर 0.4 ओम। तो आर्मेचर करंट आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच और आई एस एच बराबर बी अपॉन आर एस एच, बी 240, आर एस एच 120, तो आई एस एच बराबर 2 एम्पियर। आर्मेचर करंट आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, आई एल 8, आई एस एच 2, तो आर्मेचर करंट आई ए बराबर 10 एम्पियर। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बी ए बराबर आई ए आर ए, आई ए 10, आर ए 0.4, तो बी ए बराबर 4 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 एम्पियर 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी आर्मेचर में बाइंडिंग की मूल आवश्यकता है कि यह होनी चाहिए। डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में क्लोज बाइंडिंग की जाती है जबकि एसी में ओपन बाइंडिंग की जाती है। तो डीसी आर्मेचर बाइंडिंग की मूल आवश्यकता क्या है? क्लोज बाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोज बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर प्रतिक्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया की तीव्रता आर्मेचर धारा पर निर्भर करती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? फील्ड बाइंडिंग पर आर्मेचर बाइंडिंग के प्रभाव को आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। यह दो स्थितियों प्रदर्शित करता है, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आर्मेचर धारा पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में कार्बन ब्रश क्या कार्य करता है? डीसी मशीन में कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर स्थापित किए जाते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना होता है और कार्बन ब्रश का कार्य धारा प्रवाह हेतु पथ प्रदान करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा प्रवाह हेतु पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता को विपरीत कैसे किया जा सकता है? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता दो प्रकार से विपरीत की जा सकती है। फर्स्ट, चालक के घूमने की दिशा बदलकर, सेकंड, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदलकर। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदलने से फील्ड धारा की दिशा बदलती है जिसके कारण डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता विपरीत होती है। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता को कैसे विपरीत किया जाता है? फील्ड धारा की दिशा बदलकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फील्ड धारा की दिशा बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में धारा आर्मेचर के समान नहीं हो सकती? इंटरपोल, सीरीज फील्ड और कंपनसेटिंग वाइंडिंग तीनों आर्मेचर के सीरीज में होती हैं।
इसलिए इन तीनों में धारा आर्मेचर के समान होती है, लेकिन संट फील्ड आर्मेचर के समांतर में होता है, तो संट फील्ड की धारा आर्मेचर के समान नहीं हो सकती। तो निम्न में से किसमें धारा आर्मेचर के समान नहीं हो सकती? संट फील्ड के समान नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में आर्मेचर कॉपर हानि कुल हानियों का कितने प्रतिशत होती है? जनरेटर में 5% से 10% आयरन हानि, 20% से 30% यांत्रिक हानि, 20% से 30% संट फील्ड हानि और 30% से 40% आर्मेचर कॉपर हानि होती है। तो जनरेटर में आर्मेचर कॉपर हानि कुल हानियों का कितने प्रतिशत होती है? 30% से 40%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30% से 40%। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।